बिहार की बात कर लें तो बिहार से नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह, इनका भी नाम चर्चाओं में था कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एन वक्त पर उनका नाम ड्रॉप हुआ। इसके अलावा सुशील मोदी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने से चूक गए, इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, यहाँ तक लल्लन सिंह का सवाल हो तो बाहुबली हैं बिहार में, नीतीश कुमार का राइट हैंड है, हर पॉलिटिशियन को, हर मुख्यमंत्री को बाहुबली भी चाहिए होता है। बाहुबली का मतलब असामाजिक तत्व से नहीं है, बाहुबली का मतलब है कि पावरफुल पॉलिटिशियन, साम दाम दंड भेद, तो वो थे उनके, और इस बार तय था कि वो आएंगे वहाँ से। लेकिन ऐन वक्त कुछ तो लोगों ने कहा कि भूमिहारों के अलावा नीतीश कुमार को कुछ दिखता ही नहीं है, वो सीपीएन सिंह को बना दिया, इनको बना दिया जो है, एक तो कारण रहा। दूसरा असली कारण ये रहा, मुझे दिल्ली में किसी ने बताया कि बीजेपी के एक टॉप व्यक्ति ने जो मूल्यों की बात करते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वीटो यूज़ किया कि भाई इसकी इमेज ठीक नहीं है, इतने केसेज हैं, इतना इशू है ये, तो नाम वो ड्रॉप हो गया। और नीतीश कुमार चूंकि कुछ खो चुके थे अपनी लड़ाई पिछले इस फेरबदल में, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो लल्लन सिंह कहीं तकदीर में नहीं था उनका मंत्री बनना, बाकी फाइनल था उनका मंत्री बनना। तो इमेज क्राइसिस को लेके किसी ने उस कार्ड को इफेक्टिवली प्ले किया नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने, और वो रह गए। और सुशील मोदी के केस, सुशील मोदी दूसरी बात तो वही है कि पटना का घर छोड़ के मेन रोड पर उनका जो है वहाँ पर, वो छोड़ के दिल्ली में जो है उन कौन से एरिया भी आदि थी दिल्ली में जहाँ सब लोग रहते हैं केंद्रीय मंत्री जो है, लुटियंस दिल्ली में उनका भाग्य नहीं था रहने का, बाकी ट्रेजेडी हुई, चोट हो गई उनके साथ, कहा जाए तो वो बहुत देर से इस उम्मीद में थे कि मंत्री बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ही शानदार पॉलिटिशियन है, वहाँ के बीजेपी का चेहरा है, चुनाव जीतते हैं उनका, वो तो एक्चुअली वित्त मंत्री के काबिल व्यक्ति हैं अगर उस तरह देखा जाए तो, क्योंकि जीएसटी के काफ़ी काउंसिल में चेयरमैन वेयरमैन रहे, उन्होंने काम वाम किया है वहाँ पे। वहाँ पे उनके फेवर में या अगेंस्ट में बात चली गई कि नीतीश कुमार ने उनकी जरूरत से ज़्यादा पैरवी कर दी, तो ये माना गया एक तरह से कि ये जेडीयू कोटे के हैं, वे बीजेपी कोटे के नहीं रहे, अभी इनकी शादी वहाँ हो गई है इन्हें वे जो है, तो कुछ ऐसा हुआ। और फिर मैंने कहा लक एंड चांस, तो नहीं हुआ, लेकिन सुशील मोदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा इनके लिए। राज्यपाल हो बन नहीं सकते क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में, कभी सरकार में उग चुको, कोई दाएं बाएं हो सरकार तो बात अलग है, बाकी बैड लक ओनली।